प्राइवेट एजेंसी के आ जाने के चलते बक्सर विद्युत विभाग के मानव बलों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। इस आंदोलन को तेज करने को लेकर यूनियन के महामंत्री राजीव रंजन एवं सेक्रेटरी असलम इराकी ने स्थानीय सरीमपुर मोहल्ले में सभा का आयोजन भी किया। इस विषय पर सेक्रेटरी असलम इराकी ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है। पूरे समाज में विद्युत कार्यों को लेकर मानव बलों का मुख्य योगदान रहता है। विद्युत कार्यों के दौरान हमारे साथियों के साथ दुर्घटना और जान भी जाती रहती है, लेकिन वर्तमान सरकार को हम लोगों की परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं। अगर सरकार हम लोगों के बीच से प्राइवेट कंपनियों को नहीं हटाती है तो आगे चलकर हम लोग एक बड़े आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जिले में बक्सर की सरजमीन पे अगला 3 दिसंबर को इस यूनियन का हमने एक आगाज किया था, इसलिए कि जितने भी यूनियन आज तक हम लोगों को मोहरा बनाकर खेल रही थी, इसलिए हम लोग आज अलग यूनियन बनाए हैं, जिसका कि किशनगंज में एक सभा हमारा हुआ था। और इस यूनियन को बनाने के लिए हमारे एक राजीव बजरंगी हमारे महामंत्री हैं, हमारे बिहार विद्युत मानव बल संघर्ष समिति का, और मेरा नाम असलम इराकी हुआ। सर, मांग क्या है आप लोगों? हमारा मांग है आउटसोर्स प्रथा से मुक्त कराया जाए एजेंसी मुक्त बिहार, आउटसोर्स प्रथा बिहार से समाप्त किया जाए, एजेंसी मुक्त हो बिहार, पूरे बिहार को एजेंसी से मुक्त किया जाए। एजेंसी बीच में आने से ये हो गया है कि हम लोग के जितने भी आउटसोर्स के तहत रखा गया है ये सरकार मोहरा बनाकर खेल रही है, जिसका कि 10% एजेंसी को चला जाता है, 18% जीएसटी कट जाता है, और हम लोग 30 दिन की ड्यूटी करते हैं और हम लोग को 26 दिन का पेमेंट मिलता है, हर दिन 4 दिन का सैलरी काट दिया जाता है ड्यूटी करते हुए भी, और लोग कहते हैं रेस्ट का पैसा नहीं मिलता। रेस्ट का पैसा तो नहीं मिलती है, दिवाली में वगैरह में भी छठ में भी ड्यूटी लगता है हम लोग का, मोहर्रम में लगती है, तो सरकारी लोगों को उसका 1000 प्रतिदिन मिलता है और हम लोग को 1 पैसा भी नहीं मिलता। ड्यूटी के दौरान जान माल का क्षति होता है तो इस पर क्या सुविधा मिलता है? हम लोग कोई सुविधा नहीं मिलती, बस यही सुविधा है कि 4 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो बिहार सरकार का है, वो मुआवजा विद्युत मानव बल भी मर जाते हैं तो मिलता है, इसके अलावा हम लोग कोई सुविधा नहीं। जो पीएफ का पैसा मेरा कटा है वो पैसा प्राप्त होती है, उसको भी बहुत जद्दोजहद झेलना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। इसीलिए मांग है हमारा कि मानव बल के मरने पे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, एजेंसी से मुक्त कर दिया जाए, विभाग जो है अपने अंडर संयोजन कर ले, हमें विभाग में उतनी तनख्वाह दे हमारा, एजेंसी आउटसोर्स प्रथा समाप्त हो, एजेंसी से मुक्त बिहार हो, इसी में हम लोग खुश हैं। सर, मांगे आप अगर पूरा नहीं होता आंदोलन क्या आप? जी हाँ, अभी से हम अभियान कागजी कार्रवाई शुरू कर दिए हैं, हर जिले 38 जिलों में हमारा अभियान चल रहा है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, और मैं 2025 तक अगर हमारा ये मांग पूरा नहीं हुआ तो 2025 में 15 जून से 15 जुलाई के बीच 2025 में हम हड़ताल का आवेदन देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ, मैं जूनियर लाइनमैन बक्सर ईस्ट सेक्शन। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।